आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी द्वारा महापरिवर्तन संकल्प यात्रा फतेहाबाद रोड स्थित टीडीआई सिटी से निकाली गई। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज सिंह ने पार्टी के एजेंडे को बताते हुए बाइक और कार सवारों को हरी झंडी दिखाकर रैली यात्रा को इटावा लुन्ना चौराहे के लिए रवाना किया। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियां जमीनी हकीकत को जानने के लिए सड़कों पर उतर गई हैं। फतेहाबाद रोड स्थित टीडीआई सिटी में सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं को पार्टी का एजेंडा बताते हुए महापरिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इटावा के लिए रवाना किया। आज का हमारा सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के माध्यम से महापरिवर्तन संकल्प यात्रा का जो प्रावधान है, जो अभी माननीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय डॉक्टर लेखराज सिंह जी इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले हैं, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। 74 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, 74 साल से देश का 80% जो आबादी है, जिसको हम खेत कह सकते हैं, खेत खलिहान, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, गाँव गरीब के लोग हैं, उनको 80% लोग हैं जिनकी आबादी 80% है, जो 74 साल से गुलाम है, आज शंखनाद हुआ इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से कि अब वो गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिलेगी और डॉक्टर लेखराज सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सहित क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी सहित राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज सिंह ने पार्टी की महत्वता और एजेंडे को बताते हुए आगामी चुनाव लक्ष्य 2022 पर चर्चा भी की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी की विशेषताएं बताते हुए आगामी चुनावों में विजयी होने पर स्वास्थ्य सेवाओं सहित शिक्षा, किसान और युवाओं को रोजगार देने की बात कही। पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर मोटरसाइकिल और कार सवारों को हरी झंडी दिखाकर महापरिवर्तन संकल्प यात्रा को निकाला। और आज जो हमारी यात्रा, जैसे आपने सवाल पूछा है, जो यात्रा हमारी महासंकल्प, जो महापरिवर्तन संकल्प रैली हमारी निकलने वाली है, ये जो कभी आपने देखा था स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भगत सिंह ने कहा था बम विस्फोट करके कि किसी को आहत करना नहीं है, लेकिन गूंगे बहरों को कम से कम उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाना है कि गरीब, मजदूर, किसान और महिला, नौजवान जो आज पिस रहा है हर तरीके से, उसकी आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचाना है। इस महापरिवर्तन संकल्प रैली का यही हमारा एक संदेश है। दरअसल महापरिवर्तन संकल्प यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर टीडीआई सिटी से रवाना किया। यह यात्रा अन्य स्थानों पर होकर इटावा के लुन्ना चौराहे पर समापन होगी। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।